आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टाइटल ब्लॉक होता है शीट पे राइट साइड लोअर में बना होता है, जो ड्राइंग के विषय में मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए जो इसका साइज होता है वह 185 मल्टीप्लाई विथ, इसकी लंबाई होती है 1.185 और ये इसकी 65। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट। तो यहां पे देखो नेम ऑफ द फर्म, किस कंपनी के लिए ड्राइंग बनी है, तो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम होगा प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद दूसरी चीज होती है टाइटल। टाइटल क्या दिखाता है, ये पार्ट कौन सा शो कर रहे हो ड्राइंग में, तो क्रैंक पिन। इसे लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रोपोजिशन या कंजक्शन का यूज नहीं करना है, जैसे पिन ऑफ क्रैंक। या दूसरी चीज ध्यान रखनी होती है कि असेंबली ड्राइंग कुछ लोग कर देते हैं, दैट्स ए रॉन्ग। यहां पे पार्ट का नाम क्रैंक पिन। इसके बाद ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर ये कौन सा नंबर है, 206, 105, जो भी ड्राइंग का नंबर होगा वो यहां शो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस पोर्शन में, देखिए स्केल, स्केल 1:1। क्या है स्केल, तो ये फुल स्केल है, फुल स्केल 1:1। मींस हमने ड्राइंग में 1 mm बनाया है तो उसको हम 1 mm ही शो कर रहे हैं। अब देखो इन दूसरा और इन लार्ज स्केल होता है, इन लार्ज स्केल में भी शो करते हैं, जैसे 2:1, 5:1, 10:1। मींस 2 mm लेंथ को 1 mm में शो किए गए बढ़ा के, फिर रिडक्शन स्केल 1:2, 1:5, 1:10। रिडक्शन में भी ये शो होता है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड में हमेशा 1:1 ही मिलेगा फुल स्केल में। इसके बाद बात करते हैं ये प्रोजेक्शन, यहां पे आपको सिंबल भी मिल सकता है, सिंबल भी मिल सकता है और यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ मिल सकता है कि हमारी ड्राइंग किस एंगल में है। तो देखो ड्राइंग हमारी किस एंगल में है, फर्स्ट एंगल में, तो यहां पे आपको मिल सकता है लिखा हुआ कि फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में है, किस एंगल में है, या सिंबल। अब देखो सिंबल के समय क्या ध्यान रखते हैं, सिंबल के समय जैसे इसका डाया, ये डाया कैपिटल डी है, तो इसका स्मॉल डाया क्या होगा, d/2 इसका हाफ, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, d के बराबर होगी। और जो इन यहां से इसके सेंटर के बीच की दूरी होगी वो 1.25 × d, मींस इसका डाया अगर 10 है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वह 12.5 mm होगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, और ये स्केल कि फुल स्केल में है 1:1, और ये प्रोजेक्शन दिखाता है कि हमारी ड्राइंग किस एंगल में है, फर्स्ट एंगल में। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहां पे नेम और डेट, डिजाइन ड्राइंग किसने डिजाइन की, उसका नाम किस डेट में, डेट ड्रॉन किसने उसको ड्रॉ किया,
और किस डेट में। इसके बाद चेक, इस ड्राइंग बनाने के ड्राइंग बनने के बाद चेक कौन किया उसका यहां पे नाम और डेट। स्टैंडर्ड, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैंडर्ड किस स्टैंडर्ड में ड्राइंग, आईएसओ अप्रूव्ड, ये ड्राइंग को अप्रूव किसने किया, तो जो भी अप्रूव किया होगा उसकी सिग्नेचर या नाम और डेट। तो ये टाइटल बॉक्स जो है ये हमारे पार्ट के विषय में मोर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है।